हे गाइज, वेलकम बैक। लॉन्ग टाइम के बाद बैक। वेलकम बैक आवर चैनल दीपू जबिंदास लाइव। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और 2022 निकल चुका है, 2023 आज पहला दिन है। और सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं न्यू ईयर में, और अपने अपने लाइफ में, अपने अपने फैमिली के साथ सब लोग खुश रहे, सबके जीवन में सूरज की तरह सबके जीवन एकदम चमकता रहे और पूरी साल। और 2023 सबके जीवन में एक नया उमंग, नए जोश के साथ सबके जीवन खुशहाल से भर जाए, ये मेरी गॉड के पास प्रे है। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा था, अपलोड भी नहीं कर रहा था। तो आज न्यू ईयर है तो सोचा चलो आप लोग के साथ आज मुलाकात किया जाए वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज एक्चुअली हम लोग का कहीं प्लानिंग है बाहर जाने का। बाहर हम लोग मूवी देखने के लिए कल से टिकट बुक किए हुए हैं, और चंदन के साथ प्रॉमिस था कि उसका एग्जाम अभी ख़त्म हो गया है, नियर में एक एग्जाम था। तो मैंने बोला था अगर अच्छा रिजल्ट आएगा, बाद में तुम्हें एक अच्छा मूवी आया है उसको दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। तो अवतार 2 आज हम लोग कल से बुक किए हुए टिकट, तो हम लोग जाएंगे अभी अवतार 2 देखने के लिए। हम लोग दो फैमिली जा रहे हैं, तो साथ में हम लोग जाएंगे, आज मूवी एंजॉय करेंगे। और आप लोग को भी मूवी का जो भी मतलब एंजॉय और कैसा मूवी है क्या है वो आप लोग को आगे आके वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से खास रिक्वेस्ट है, जो भी भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहले पहुंच सके। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चंदन थोड़ा रो रहा था, अभी आके बेड पे सोया है। उसको कौन मारा बेटा? उसको उसका दोस्त ने दीवार पर उसके माथे पर लेके पीट दिया। तो चंदन बोला मेरा तो ब्लड आ गया, तो ऐसा ही बोला था मेरा ब्लड आ गया। मैं देखा था, ब्लड तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा उसका माथे के ऊपर जो है सर पे फूल गया है, सूजन हो गया है। तो चंदन रो रहा है, तो मैं उसको बोला चलो भाई आज मूवी जाना फिर कैंसिल करते हैं। मैं टिकट कैंसिल करने जा रहा था, लेकिन चंदन का मन कहाँ मानने वाला है। तो माथा फूटा भी होता ना तो भी बोलता चलो मेरे बैंडेज करके भी लेके चलो। मेरा बेटा का थोड़ा क्या है, थोड़ा सा भी लगेगा ना वो पत्थर गिरेगा तो बोलेगा मेरे पर पत्थर गिर गया, ऐसा है। एक लड़का है तो ज्यादा लाडला है। उसके मम्मी देखो इधर ड्रेसिंग पेंटिंग चल रहा है, ड्रेसिंग पेंटिंग चल रहा है, मतलब मूवी के लिए पूरा एकदम तैयार। गुड मेरे बेटे का क्या हो गया, अरे मेरे को क्या हो गया। चंदन का अभी ड्रेस चेंज होगा, अभी ये सुबह से ड्रेस पहना था, नया साल में आज उसका दो दो ड्रेस है। पहला ड्रेस सुबह पहन लिया नया वाला, अभी हाफ पैंट और शर्ट पहना था, उसको चेंज करेगा फिर फुल पहनेगा, क्योंकि अभी तो है थोड़ा मतलब विंटर सीजन है, ठंडी भी ऐसा लग रहा है, तो आने के टाइम में भी उसको ठंडी लगेगा। और उसको फुल देखो, चंदन का ड्रेस उससे मम्मी निकाल दी है, ये फुल टी शर्ट है,
और दूसरा एक जींस फुल लुकिंग सो गुड चंदन का नखरा बहुत है, ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब कहीं जाने का होगा ना, तो ज्यादा एक्साइटेड मतलब मन तो पूरा रहता है लेकिन बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा अभी ये हो कर नाटक कर रहा है। चंदन एकदम रेडी सेडी होके बाहर निकल चुका है, बस अभी चंदन को खाली गाड़ी में बैठने का ही देरी है। कैसे हो टाइगर? देखो चंदन का स्टाइल तो देखो, ये बाप से बेटा कुछ ज्यादा ही है। और यहाँ पे मम्मी जी का तो काम खत्म ही नहीं हो रहा। फोटोशूट टाइम। निकल रहे हम लोग अभी आके रूम के बाहर खड़े हैं, बुलेट स्टार्ट कर लिए, निकलने की तैयारी। फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं बीआर मॉल के पार्किंग में, और यहाँ पे चंदन और मैं हम दोनों और बाकी सारे फैमिली लोग सब अंदर है, अंदर पहुंच चुके हैं बीआर मॉल के अंदर। आरव और उनके पापा भी, हम लोग थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ेगा, वो लोग भी कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं। चंदन गया है उन लोग को देखने के लिए, चंदन को क्या सबका फिक्र होता है। चंदन का दोस्त आ गया आरव, आरव का मम्मी और आरव का बड़ा भाई, आरव का पापा सब लोग आए हैं, और चंदन का मम्मी, चंदन का पापा, अरे भाई ने सब लोग आया आज तो फिल्म देखेगा अवतार, बाप रे। पहुंच गया के एंट्रेंस में, और पूजा मैडम और उनके सहेली सारे लोग पहले से अंदर है, हम लोग भी अंदर जा रहे हैं। देखिए आरव और उसका पापा, कोरोना का थोड़ा सा कुछ सिम्टम लोगों के अंदर आया, इसके लिए अभी सारे जगह पे स्टेट हो गया है। वीआर मॉल का लुक आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देखिए वीआर मॉल बहुत शानदार मॉल है। देखिए अभी क्रिसमस के लिए कितना बड़ा शानदार सा एक एक्समस ट्री बनाया है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बहुत हाइट तक। अभी हम लोग का थर्ड फ्लोर में जाना पड़ेगा, मूवी का जो थिएटर का ये है वो थर्ड फ्लोर में है, चलते हैं अभी ऊपर में, आप लोग को वहां पे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। बच्चे लोग एक्सेलेटर में जाने में डरते हैं, ए धीरे धीरे। फाइनली हम लोग आके वीआर मॉल का थर्ड फ्लोर में पहुंचे, और यहाँ पे मूवीज और फाइनली आके पहुंचे गए, बच्चे लोग यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं। फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं स्क्रीन 8 के सामने है, लेकिन यहाँ बच्चे लोग का देखो किस तरह के स्टाइल में एकदम से।
देखो पॉपकॉर्न लेके आ गया, चंदन और आरब दोनों, ये इतना पॉपकॉर्न है पूरे फैमिली खाएगा। सॉल्टेड है, सॉल्टेड है कि प्लेन है, सादा है? ओके। गेट अभी ओपन हो चुका है, सारे लोग 3D का ग्लासेस लेके अंदर जा रहे हैं, लाइन पर लगे हैं। यहाँ पे देखो ये लोग खाने में व्यस्त है, आरब के हाथ में पॉपकॉर्न और उसके हाथ में भी पॉपकॉर्न। अभी ये देखो अनुराग खा रहा है बेल, ये घर पे अभी खा के आया था फिर इसको